दुनिया की सबसे बड़ी रेस से निभाते हैं। Let the race begin। क्या इस बार बनने जा रही है रेस 4 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म? तो फाइनली दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद साल सन 2008 में आई सैफ अली खान, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, समीरा रेड्डी, विपाशा बासु और कटरीना कैफ स्टारर रेस, जो कि धूम सीरीज के बाद एक ऐसी बड़ी एक्शन फिल्म बनी जिसने उस वक्त इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के साथ साथ अपना एक अलग फैन बेस बना लिया था, जिसकी वजह से फैंस ने इस फिल्म की दूसरी कड़ी यानी रेस 2 में सैफ अली खान और जॉन इब्राहिम की जोड़ी को इतना पसंद किया कि जब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी रेस 3 इस सदी के सबसे बड़े मेगा सलमान खान के साथ अनाउंस हुआ था, उस वक्त हर कोई यही चाहता था कि मेगा स्टार सलमान खान के साथ सैफ अली खान और जॉन इब्राहिम भी एक अलग स्टाइल और एक अलग अंदाज के साथ नजर आ जाएं तो मजा ही आ जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा हो नहीं पाया। मगर अब इस फिल्म के चौथे पार्ट बनने की बात चर्चाओं में आ रही है। जी हां दोस्तों, तो क्या इस बार फिल्म में सलमान खान लीड रोल में नजर आएंगे या नहीं, और क्या इस बार फिल्म में सैफ अली खान और जॉन इब्राहिम भी फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं, क्या कहा है फिल्म निर्माता ने रेस 4 को लेकर, तो क्या है खबर, बात करेंगे इस बारे में। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्सिक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रमेश तोलानी जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने खुद कंफर्म किया है कि रेस 4 आने वाली है, जिसमें सलमान खान फिर एक बार लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रेस 4 रेस सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें एक्शन, सस्पेंस और एंटरटेनमेंट पहले से भी 4 गुना धमाकेदार तरीके से देखने को मिलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स, खबरें ये तक है कि फिल्म में इस बार शायद मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है, जिसमें सैफ अली खान, जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर दिखाई दे सकते हैं। इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन रूमर्स बहुत तगड़े हैं। साथ ही आपको बता दूं, खबरें तक है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चालू हो चुका है, और अगर सब कुछ सही रहा और स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई तो किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 और नो एंट्री 2 के बाद इस फिल्म पर काम चालू हो सकता है। आई मीन मेरे ओपिनियन से शायद ये फिल्म 2024 तक देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो आप रेस 4 में सलमान खान के अपोजिट किसे देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।